तारीख थी 11 सितंबर 1893, जो विश्व इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गई। इस तारीख ने वह सब कुछ दे दिया जिसकी चाह भारत को सैकड़ों वर्षों से थी। इस तारीख ने एक तरुण सन्यासी को विश्व का महान पुरुष बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका में हुए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की, जिसमें स्वामी विवेकानंद का एक उद्बोधन जो विश्व भर में अपनी अनोखी छाप छोड़ गया। लेकिन इस सम्मेलन तक पहुंचने के लिए स्वामी विवेकानंद को कितने जतन करने पड़े, शायद ही आप लोगों के लिए पता होगा। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे स्वामी विवेकानंद की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए शिकागो पहुंचे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके लिए मिलते रहें। स्वामी विवेकानंद के बारे में डॉक्टर शरद कंटू ने मराठी भाषा में लिखी गई एक पत्रिका वार्ता में लिखा है, जिसके कुछ अंश आज हम आप लोगों के लिए बताते हैं। जब नरेंद्र के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व के धर्म सभा का आयोजन होने वाला है, ये सुनकर भारत वर्ष का भ्रमण करने वाले तरुण सन्यासी नरेंद्र समुद्र के किनारे जाकर लहरों से खेलने लगे। तभी उन्हें अचानक समुद्र के अंदर दो शिला दिखाई दी। नरेंद्र ने इन शिलाओं पर जाने का मन बनाया। शिलाओं तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तब नरेंद्र ने आगे पीछे का विचार न करते हुए समुद्र में छलांग लगा दी और लहरों को चीरते हुए उन शिलाओं तक पहुंचे। डॉक्टर शरद आगे लिखते हैं कि 25 दिसंबर से 27 दिसंबर 1892 में नरेंद्र यहीं पर 3 दिन और 3 रात का ध्यान लगाया। इस ध्यान में उन्होंने अनुसरण किया कि भारत माता का भूत, वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। इस ध्यान के बाद नरेंद्र ने घोषणा की कि भारत फिर से उठेगा, लेकिन अब शस्त्रों के बल पर नहीं उठेगा, शास्त्रों के बल पर भारत विश्व में गौरवान्वित होगा। वे लिखते हैं कि नरेंद्र को ईश्वर का आदेश प्राप्त हुआ था कि उसे पश्चिम की ओर जाना चाहिए। इस संसार पर शासन करने वाले यूरोप के अमेरिका में जाकर अपने हिंदू धर्म की पताका फहराना चाहिए। नरेंद्र ने यह घोषणा कर तो दी, लेकिन उनके पास तो नाव में बैठने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब नरेंद्र के शिष्यों ने चंदा एकत्रित किया और नाव का टिकट खरीदा। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और 1893 सितंबर माह में अमेरिका की खोज के 400 वर्ष पूर्ण होने पर अमेरिका के शिकागो शहर में औद्योगिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का एक भाग सर्वधर्म परिषद का भी था। इसका मुख्य उद्देश्य संसार के सभी धर्म, सभी पंथ में क्रिश्चियन धर्म, कैथोलिक पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी की ये यात्रा सुखद नहीं रही। इस प्रवास पर ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना पैसे थे और ठंड का मौसम भी था। परेशानी तो तब और बढ़ गई जब परिषद से मिला पत्र भी कहीं खो गया और उसे पाने के लिए उन्हें कई जतन करने पड़े। बताया गया है कि अमेरिका में स्वामी जी के रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठंड का मौसम होने की वजह से वो ट्रेन के कचरे के डिब्बे में रात को गुजारा किया। अब तो तारीख आ चुकी थी जिसका इंतजार पूरे विश्व को था, 11 सितंबर 1893, जो विश्व में भारत का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाली थी। सर्वधर्म परिषद का अपना कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो चुका था, जिसमें विश्व भर के विद्वान मौजूद थे और स्वामी विवेकानंद जी के सामने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। विवेकानंद ने इसकी तैयारी भी नहीं की थी। जब स्वामी जी का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद वो उद्बोधन देंगे। एक के बाद एक विद्वान अपने अपने भाषण दे रहे थे। कुछ ही बुद्धिजीवी लोग शेष बचे थे और अभी भी स्वामी जी एक ही बात कह रहे थे कि थोड़ा समय और। तब सर्वधर्म परिषद के संयोजक मीब्रोज ने कहा कि अगर तुम्हें भाषण नहीं देना है तो आप बाहर जा सकते हैं। तब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने सरस्वती माँ और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का स्मरण करते हुए स्वामी जी ने अपना उद्बोधन शुरू किया। स्वामी जी ने जैसे ही अपना पहला वाक्य अमेरिका के बहनों और भाइयों कहा, सभा में तालियों की गड़गड़ाहट का शोर गूंज उठा।